लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। हीरा मंडी के फर्स्ट लुक के सामने आने के बाद हर कोई हीरा मंडी की कहानी जानना चाहता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास, जिसकी कहानी संजय लीला भंसाली पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। संजय लीला भंसाली बस नाम ही काफी है। भंसाली जबरदस्त फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में सिर्फ भव्य और महंगे सेट ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और अनोखी कहानियां भी देखने को मिलती हैं। फिल्मों से हटकर संजय लीला भंसाली हीरा मंडी से अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार हैं। अभी सिर्फ सीरीज का फर्स्ट लुक ही सामने आया है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। हीरा मंडी को ओटीटी पर देखने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आइए उससे पहले जानते हैं कि हीरा मंडी की कहानी क्या है। हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक रेड लाइट एरिया है, जिसे शाही मोहल्ले के नाम से भी जाना जाता है। बंटवारे से पहले हीरा मंडी की तवायफें देश भर में मशहूर थीं। उस समय कोठे पर राजनीति, प्यार और धोखा सब कुछ देखने को मिलता था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की महिलाएं भी हीरा मंडी में रहने के लिए आ गई थीं। उस समय तवायफ शब्द को गंदी निगाहों से नहीं देखा जाता था। मुगल काल में तवायफें संगीत, कला, नृत्य और संस्कृति से जुड़ी हुई थीं। ये वो दौर था जब तवायफें सिर्फ राजा महाराजाओं का मनोरंजन करती थीं। धीरे धीरे वक्त बदला, मुगल दौर खत्म होने लगा और हीरा मंडी पर विदेशियों का आक्रमण हो गया। ब्रिटिश शासन काल में हीरा मंडी की चमक फीकी पड़ने लगी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने हीरा मंडी की तवायफों को वैश्या यानी प्रोस्टिट्यूट्स का नाम दे दिया। हीरा मंडी की चमक ऐसी फीकी पड़ी कि आज तक उस इलाके की रौनक वापस नहीं लौटी है। आजादी के बाद सरकार ने यहाँ आने वाले लोगों के लिए कई बेहतरीन इंतजाम भी करवाए, पर फिर भी बात नहीं बनी। आइए अब जानते हैं कि हीरा मंडी का नाम किसने रखा। माना जाता है कि हीरा मंडी का नाम सिख महाराजा रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया। हीरा सिंह ने ही यहाँ अनाज मंडी का निर्माण करवाया था, जिसके बाद इस जगह का नाम हीरा मंडी रख दिया गया। पहली बार करण जौहर की फिल्म कलंक में हीरा मंडी का जिक्र किया गया था। पहले की तुलना में शाही मोहल्ला अब पहले जैसा शाही नहीं रह गया है। दिन के समय में ये आम बाजार की तरह नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है हीरा मंडी रेड लाइट एरिया में बदल जाती है। अब पहली बार जब लोग हीरा मंडी के बारे में संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज के जरिए जानने वाले हैं, तो ऐसे में देखना ये है कि संजय लीला भंसाली का ये शो लोगों के बीच अपनी कितनी पहुंच बना पाता है।